नमस्कार, YouTube चैनल एन यूनिवर्स 22 में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मोल्डिंग बॉक्स के बारे में, जिन्हें हम फ्लास्क भी कहते हैं। मोल्डिंग बॉक्स व फ्लास्क को सैंड मोल्डिंग में प्रयोग करते हैं, रैम्ड सैंड को होल्ड करने के लिए, और मोल्टन मेटल को भी इसमें होल्ड करते हैं जब तक वह सॉलिडिफाई नहीं हो जाता। मोल्डिंग बॉक्स की बात करें कि वो किस मटेरियल का बना हो सकता है। मोल्डिंग बॉक्स वुड, कास्ट आयरन, स्टील आदि का बना हो सकता है। वुड से बने मोल्डिंग बॉक्स को ग्रीन सैंड मोल्डिंग में प्रयोग करते हैं, जबकि ड्राई सैंड के लिए हमें मेटालिक बॉक्स की आवश्यकता होती है, क्योंकि इन्हें ड्राई करने के लिए गर्म करना पड़ता है। तो कह सकते हैं कि लार्ज और हैवी बॉक्स जो होते हैं वो कास्ट आयरन और स्टील के बने होते हैं। तो बात करते हैं कि मोल्डिंग बॉक्स में क्या क्या पार्ट होते हैं। मोल्डिंग बॉक्स में मुख्यतः तीन पार्ट होते हैं, जिसमें ऊपर वाले पार्ट को कोप कहते हैं और नीचे वाले पार्ट को हम ड्रैग कहते हैं। तो वो टू बॉक्स मोल्डिंग बॉक्स होता है। लेकिन कुछ ऐसे मोल्डिंग बॉक्स होते हैं जिसमें तीन पार्ट होते हैं, तो उस केस में जो बीच वाला पार्ट होता है उसको हम चीक कहते हैं। तो इस तरह कह सकते हैं कि जो फ्लास्क या मोल्डिंग बॉक्स है उसमें कोप, चीक और ड्रैग तीन पार्ट होते हैं। लेकिन जहाँ हम टू बॉक्स मोल्डिंग फ्लास्क का यूज़ करते हैं उसमें दो ही पार्ट होते हैं, कोप और ड्रैग। तो बात करते हैं कि मोल्डिंग बॉक्स की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होनी चाहिए, क्योंकि जो मोल्डिंग बॉक्स है उसको हम रफ़ हैंडलिंग में प्रयोग करते हैं, उसकी काफ़ी रफ़ हैंडलिंग होती है। तो इसलिए मोल्डिंग बॉक्स का रोबस्ट होना बड़ा ज़रूरी है। और जो मोल्डिंग बॉक्स की सिलेक्शन है वह निर्भर करती है कि हमें किस टाइप का प्रोडक्ट बनाना है, क्योंकि प्रोडक्ट की मास प्रोडक्शन के लिए मेटल से बने मोल्डिंग बॉक्स ही इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अगर आप इस डायग्राम को देखें कि आपको नज़र आ रहा है कि जो ऊपर का पार्ट है वो कोप है, नीचे का पार्ट ड्रैग है, तो यहाँ दो चीज़ें क्लियर होती हैं कि जो मोल्डिंग बॉक्स है वो रेक्टेंगुलर शेप का भी हो सकता है और वो राउंड शेप का भी हो सकता है। तो अब बात करते हैं कि जो कॉमनली मोल्डिंग बॉक्स यूज़ किए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले है बॉक्स फ्लास्क। यह मेटल और वुड दोनों के बने हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मेटल से बने बॉक्स फ्लास्क का ही प्रयोग किया जाता है। और बॉक्स टाइप के फ्लास्क का प्रयोग हम करते हैं जब हमें स्मॉल या फिर मीडियम साइज़ की कास्टिंग बनानी है। तो स्मॉल और मीडियम साइज़ की कास्टिंग के लिए काफ़ी उपयुक्त रहते हैं। और जो बॉक्स फ्लास्क है वह टू बॉक्स व थ्री बॉक्स का प्रयोग उसमें कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। दूसरा होता है स्नैप बॉक्स। यह जो स्नैप बॉक्स होते हैं ये सभी वुड के बने होते हैं और इनके एक कॉर्नर पर हिंज्ड पार्ट होता है, जैसा आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है। एक हिंज्ड पार्ट है, यहाँ पर ये हिंज्ड पार्ट है, और यह एक फ्रेमवर्क है जिसे सैंड की रैमिंग के लिए प्रयोग करते हैं। और इन्हें रैमिंग के बाद ओपन कर सकते हैं। इस डायग्राम आप देखें कि इसको ओपन कर दिया गया है। और कोप और ड्रैग के बीच की जो लाइन होती है उसको हम पार्टिंग लाइन कहते हैं। ग्रीन सैंड की बेंच मोल्डिंग के दौरान हम स्नैप बॉक्स का प्रयोग करते हैं, और जब हमें स्मॉल साइज़ के मोल्ड की मास प्रोडक्शन करनी होती है तब भी हम स्नैप बॉक्स का ही प्रयोग करते हैं। और जो स्नैप बॉक्स होते हैं वो रेक्टेंगुलर टाइप के होते हैं। तो दोस्तों, आज हमने बात की कि मोल्डिंग बॉक्स क्या होता है, इसका क्या कार्य होता है, ये किस मटेरियल के बने होते हैं और किस किस टाइप्स के मोल्डिंग बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।